आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक बड़ी खबर, कर्नाटक में मिले 2 ओमिक्रॉन मरीज। देश के नागरिकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के लिए नया खतरा पैदा करने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी भी भारत से दूर है। हालांकि भारतीयों की ये बेचैनी अल्पकालिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले हैं। लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले हैं। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि पूरे राज्य में अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। फिर से बारिश की झड़ी, किसानों की मुश्किलें बढ़ी। चक्रवात जवाद ओडिशा से टकराएगा। किसान आंदोलन से देश को 2731 करोड़ का नुकसान। एसीबी की छापेमारी में मिले अधिकारी की पत्नी की मौत। अलगा मंचे बाईपास रद्द करने के लिए प्रभावी आंदोलन होगा। कोरोना वॉरियर्स की सेवा को लेकर दिया निवेदन। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्ता पूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। शहर और तालुका इलाकों में एक बार फिर बारिश हुई है। बुधवार की आधी रात को हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर किसान राजा को भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश दिन भर जारी रही। बारिश के कारण कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए, साथ ही शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर तालाब बनाए गए हैं। दिसंबर में सर्दी का मौसम और समय शुरू होने से किसानों की नौकरी चली गई है। बारिश ने एक बार फिर बलिराजा पर संकट ला दिया है। 2 दिन के अवकाश के बाद बुधवार रात से शहर क्षेत्र में बेमौसम बारिश की झड़ी लग गई। बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही। पिछले कुछ दिनों से हो रही बेमौसम तबाही का खामियाजा किसानों को भुगतने का समय आ गया है। बुधवार को हुई बारिश ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया। इससे धान की फसल के साथ बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। जिले में पिछले 10 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। दिवाली के बाद हुई बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बेलगाम तालुका में बासमती चावल का स्टॉक भी बारिश से नष्ट हो गया है। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, हालांकि बादल छाए रहे। बेलगाम, खानापुर और निपानी तालुकों में भारी बारिश हुई। इससे धान की कटाई का काम प्रभावित हुआ। बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। चिकोड़ी अथनी तालुका में अंगूर की फसल प्रभावित हुई। इसके अलावा बेलगाम और खानापुर तालुका में धान की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। इसका असर धान की फसल पर भी पड़ा। अब ये सवाल है कि क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी? चक्रवात जवाद ओडिशा से टकराएगा। मौजूदा मूसलाधार बारिश का मुख्य कारण ओडिशा में बना चक्रवात जवाद है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे में तूफान इतनी तेजी से गरज रहा है, इसलिए मौसम विभाग ने अत्यधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। ओडिशा सरकार ने भी चक्रवात जवाद के खिलाफ एहतियाती कदम उठाए हैं। तूफान के 4 दिसंबर को ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने 13 तटीय जिलों के जिला कलेक्टरों को अलर्ट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का निर्देश दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में एक निम्न दबाव की पेटी बन गई है। बंगाल की खाड़ी में भी कम दबाव का क्षेत्र है। इसकी तीव्रता वर्तमान में बढ़ रही है। इसके 2 दिसंबर को तूफान में बदलने की संभावना है। इस तूफान का नाम जवाद रखा गया है। इसका नाम सऊदी अरब के नाम पर रखा गया है। ये तूफान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से गुजरेगा। राज्य आपदा प्रबंधन आयुक्त पीके जेना ने कहा कि समुद्र में तूफान बनने को लेकर स्थिति और खराब होने की संभावना है। तूफान शनिवार सुबह समंदर से टकराएगा। प्रभाव ओडिशा के साथ आंध्र प्रदेश के तट पर महसूस किए जाने की संभावना है। किसान आंदोलन से देश को 2731 करोड़ का नुकसान।
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 1 साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 2731 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। राज्यसभा में जवाब देते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में टोल वसूली प्रभावित हुई है। अक्टूबर 2020 में प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में टोल प्लाजा बंद करना शुरू कर दिया, जिससे हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि किसानों के आंदोलन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 से 65 टोल प्लाजा प्रभावित हुए हैं। ACB की छापेमारी में मिले अधिकारी की पत्नी की मौत। पिछले हफ्ते ACB की टीम ने बेलगाम समेत पूरे राज्य में छापेमारी की थी। इसमें शामिल अधिकारियों की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया गया। इसी तरह अधिकारियों के परिवारों को अब जांच सत्र का सामना करना पड़ रहा है। इस साहसिक कदम का भ्रष्ट अधिकारियों के परिवारों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। इसमें बेंगलुरु के एक अधिकारी की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर चर्चा है कि ACB की छापेमारी में अधिकारियों के परिवारों को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही बेलगाम जिले में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के प्रशासन का मामला एक बार फिर सामने आया है। बेलगाम में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी ACB की कार्रवाई में शामिल है। घर में पाइपलाइन समेत कई जगहों पर संपत्ति छिपी हुई मिली, इसलिए बेलगाम क्षेत्र में भ्रष्टाचार के इस पाइपलाइन मामले पर जोरदार बहस हुई। हलगाम अच्छे बाईपास रद्द करने के लिए प्रभावी आंदोलन होगा। राज्य रहित एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कोड़ीहली चंद्रशेखर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हलगाम अच्छे बाईपास परियोजना के खिलाफ राज्य रहित संगठना के माध्यम से एक प्रभावी आंदोलन आयोजित किया जाएगा, जो किसानों की उपजाऊ भूमि को घेर रहा है। इस परियोजना को स्थगित करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार पूरी तरह से परियोजना को रद्द करने के लिए सतर्क हो जाएगी। उन्होंने गवाही दी कि राज्य रहित संगठन इसके लिए प्रभावी आंदोलन खड़ा करेगा। हलगाम अच्छे परियोजना की कोई आधिकारिक योजना नहीं है। इसी तरह परियोजना के लिए कोई शून्य बिंदु निर्धारित नहीं किया गया है। इसके खिलाफ किसानों के कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने स्थगन आदेश भी जारी किया है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। इसके चलते किसानों को अभी से आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। इसके लिए आगामी अधिवेशन काल में किसानों को संगठित कर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स की सेवा को लेकर दिया निवेदन। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना काल में सेवा दे चुके कर्मचारियों को बनाए रखने की मांग लंबित है। पिछले बयानों पर विचार नहीं किया गया है, वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। संघ ने मांग की कि सरकार मामले को गंभीरता से ले और कोरोना वॉरियर्स को फिर से नियुक्त करे। इस मांग का बयान जिलाधिकारी को सौंपा गया। स्टाफ ने नर्स के रूप में कोरोना मरीजों की सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। इन संविदा कर्मचारियों को अब हटा दिया गया है। ऐसे में इन कर्मचारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बयान में कहा गया है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सेवा में शामिल करना चाहिए। विनय करलेकर, अक्षता शिवणगेकर, लक्ष्मी सनक सहित अन्य कर्मचारी बयान प्रस्तुत करते समय उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ।
उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। ये पता चला है कि खानापुर तालुके के कुछ गांवों के पीडीओ ने लोगों को कार्यालय में रखकर बीडी ग्राम पंचायत में एक शराब पार्टी का आयोजन किया। इसके खिलाफ तहसीलदार और तालुका पंचायत प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। पिछले हफ्ते तालुका में कुछ अन्य ग्राम पंचायतों के पीडीओ और अन्य कर्मचारियों ने बीडी ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के साथ एक शराब पार्टी की। कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में फिल्माया है और तहसीलदार और तालुका पंचायत प्रमुख के पास एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है। सरकारी कर्मचारियों का वर्दी पहने और गले में आईडी कार्ड लेकर पार्टी करने का सीन वायरल हो गया है। इस पार्टी में पीडीओ गणेश केयस, भीमा शंकर, मुतना गुरव, सचिव नेत्रावती, एमडी नेत्रावती गिरी आदि ने भाग लिया। बीडी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने उसके खिलाफ तहसीलदार और तालुका में मामला दर्ज कराया है। विधायक अभय पाटिल की शिकायत के बाद शुरू हुई होर्डिंग घोटाले की जांच। बेलगाम महानगर पालिका के होर्डिंग घोटाले की जांच के लिए मंगलवार को दो अधिकारियों की टीम निगम पहुंची थी। विधायक अभय पाटिल ने शिकायत की थी कि बेलगाम शहर में होर्डिंग्स और संबंधित होर्डिंग पर 5 साल पहले की दर से एक विज्ञापन कर वसूला जा रहा है। इसे संज्ञान में लेते हुए नगर प्रशासन विभाग ने ये जाँच शुरू कर दी है। इन अधिकारियों द्वारा महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली के साथ जानकारी ली गई। जांच के लिए दो इंजीनियरों, एक सहायक कार्यकारी अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता की एक टीम गठित की गई है। टीम मंगलवार को बेलगाम पहुंचेगी। इस दौरान होर्डिंग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। तदनुसार विभाग के सभी मुख्य अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी जांच के दौरान आयुक्त कक्ष में मौजूद रहे। दिन भर पूछताछ चलती रही। टीम ने होर्डिंग्स और अन्य विज्ञापन कर वसूली से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई है। बेलगाम में होगी जीनोम प्रयोगशाला। ओमिक्रॉन से डरे हुए बेलगाम के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले हफ्तों में बेलगाम में जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। लैब न केवल कोरोना परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाएगी बल्कि ओमिक्रॉन सहित अन्य वायरस का भी परीक्षण करने में सक्षम होगी। प्रयोगशाला बेलगाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज बीम्स में स्थापित की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव अनिल कुमार ने ये जानकारी दी है। प्रयोगशाला बेलगाम, गुलबर्गा और मैसूर में स्थापित की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में घोषणा की गई कि प्रदेश में 6 स्थानों पर जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। दूसरी लहर जुलाई में थम गई लेकिन प्रयोगशाला शुरू नहीं हुई। तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की संभावना के मद्देनजर अब 6 स्थानों पर प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। वर्तमान में बेलगाम में ICMR के साथ साथ बीम्स की प्रयोगशाला में भी कोरोना परीक्षण किया जा रहा है। बेलगाम में जब कोरोना का परीक्षण शुरू हुआ तब जांच के लिए प्रयोगशाला नहीं थी, इसलिए स्वैब पुणे, बेंगलुरु या शिमोगा भेजे गए। केंद्र सरकार के ICMR में पहले कोरोना टेस्ट शुरू किया गया था। इसके बाद बीम्स और कुछ निजी अस्पतालों में कोरोना परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। मय समिति के कार्यकर्ताओं का महामेलावा की घोषणा पर ध्यान। कर्नाटक विधानसभा अधिवेशन सत्र को लेकर जिला प्रशासन और सरकार की ओर से खास तैयारियां की जा रही है। हर बार मय समिति विधानसभा का विरोध करती है और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की भावनाओं को व्यक्त करती है, इसलिए कार्यकर्ताओं का ध्यान अब कमेटी की ओर से आधिकारिक घोषणा पर है। समिति की बैठक के बाद गांव में तेजी आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। कर्नाटक सरकार 2006 से बेलगाम पर दावा कर रही है। बेलगाम में विधानसभा का सत्र चल रहा है। मराठी लोगों की इस सभा में महाराष्ट्र के कई मंत्री और नेता शामिल हुए हैं। मराठी शख्स ने पुलिस की पाबंदियों पर काबू पाकर महामेलावा सफल बनाया है, इसलिए 13 दिसंबर से होने वाले विधानसभा अधिवेशन सत्र के खिलाफ समिति महामेलावा की बिगुल फूकी जाएगी। समिति में एकता के कारण मराठी लोगों की ताकत बढ़ी है, इसलिए ये सभा कार्यकर्ताओं के बीच में कौतूहल का विषय बन गई है। हवाई अड्डों पर भी RT-PCR लागू। ओमिक्रॉन के खिलाफ एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के सभी हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने का फैसला किया है। के सुधाकर ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उनका अनिवार्य RT-PCR परीक्षण होगा। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वॉरियर्स को प्रिवेंटिव वैक्सीन की खुराक लिए हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की बात कही जा रही है। केंद्र ने बूस्टर डोज को मंजूरी दी तो जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। सृष्टि जाधव ने कराटे में स्वर्ण पदक जीता।
जीएसएस कॉलेज की सृष्टि स्वप्निल जाधव ने कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सरस्वती अंडर ग्रेजुएट कॉलेज की ओर से कोल्हापुर क्रॉस स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल के कुश्ती हॉल में जिला स्तरीय स्नातक बालिका कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 35 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में सृष्टि ने कीर्तन सुतार को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। बेलगाम जिला कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र काकतीकर ने प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए। उनका मार्गदर्शन कराटे प्रशिक्षक दीपक काकतीकर, अमित वेसने, जीएसएस कॉलेज के खेल प्रोफेसर विनय नाइक, प्राचार्य प्रणव पित्रे कर रहे हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जाधव की बेटी है। बेलगाम की लड़कियों ने जीता टेटे का किताब। संगम बलूर अकादमी की लड़कियों ने बेंगलुरु के पंडेश्वरम एसोसिएशन फिनियर में 3 समूहों में एमएस रमैया स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती। संगम बेलूर अकादमी की लड़कियों ने 11 वर्ष से कम आयु वर्ग में 13 वर्ष से कम आयु की कैडेट और 15 वर्ष से कम आयु की सब जूनियर लड़कियों ने हॉक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंडर 15 आयु वर्ग में सानवी मांडेकर ने बेंगलुरु के नेबोला को 11-6, 10-12, 11-7, 11-6 से हराया। खानापुर में बैडमिंटन प्रतियोगिता। फ्रेंड्स बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता हाल ही में खानापुर बैडमिंटन एसोसिएशन के कोर्ट में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिताएं 40 से कम, 40 से अधिक और महिला समूह में आयोजित की गई। विजेताओं को तुलसीदास मोरे द्वारा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रदर्शक रॉबर्ट गोंजाल्विस ने धन्यवाद दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।